हमेशा की तरह आपको इंतज़ार रहता है कि क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से हम लोग कब सॉल्व करेंगे, तो इंडेस 37 पढ़ने के बाद अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंडेस 37 के क्वेश्चन और आंसर्स डायरेक्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्लियर सी एग्ज़ाम्स, और हमारा विज़न है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 जिसका नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कंटिंजेंट एसेट्स। एज यू नो, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो कॉन्सेप्ट्स की हैं डिटेल में बात किया गया है, तो आप FR के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इंडियस 37 क्लियर सी एग्ज़ाम्स लिख के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सीधा इसमें हम लोग करते क्या हैं, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, इसमें हम लोग इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में दिए रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओहो एक एक अब इलस्ट्रेशन पहला कहाँ पे है, या इलस्ट्रेशन नंबर वन, लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर वन, एक्स शिपिंग लिमिटेड इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू ओवर ऑल इट्स शिपिंग फ्लीट वंस इन एवरी ईयर। एक कंपनी, सपोज मेरी कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, उसको लॉ बोलता है कि आपको ओवरऑल कराना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस कराने पड़ेंगे मतलब वंस इन एवरी थ्री ईयर्स। तो द कंपनीज फाइनेंस टीम वॉज ऑफ the view that recognition of the cost only when paid, cost का recognition तभी होगा जब वो paid होता है तब, would prevent matching of revenue earned on all the time and certain cost of the large amount which are incurred occasionally। कहने का मतलब है हमारी management ने बोला कि recognizing the cost only when paid, जब हम pay करते हैं तभी recognize करना, would prevent matching the revenues earned all the time। हमेशा जो रिवेन्यू अर्नड होता है उससे मैच करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब पेड बेसिस पे करेंगे कब ड्यू हुआ कब क्या हुआ, विद सर्टेन कॉस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट विच आर इंकर्ड ओकेजनल, क्योंकि कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो ओकेजनली इंकर्ड होते हैं। मैं रिवेन्यू का एग्जैक्ट फिगर, सपोज का 10 करोड़ रुपये आपका रिवेन्यू आ रहा था लेकिन एक लार्ज खर्चा आ गया 10,000 एक करोड़ का, तो आपकी रिवेन्यू 1 करोड़ से फॉल हो जाएगी, तो उसके व्यू के हिसाब से पेड बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जो यूजेस बेसिस है उसके हिसाब से। फाइनेंस टीम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी है लेकिन उसमें फाइनेंस टीम भी है, सपोज करी जस्ट सपोज मेरी कोई कंपनी नहीं है। देयर बाई इट हैज़ फॉर्मुलेटेड एन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ओवरऑल एनुअल इंस्पेक्शन एटसेट्रा बाई कैलकुलेटिंग अ रेट पर आवर सेल ऑन सी एंड एक्यूमुलेटिंग अ प्रोविजन ओवर अ टाइम। क्या नहीं मतलब है कि जो रिपेयर के खर्चे हैं इंस्पेक्शन के खर्चे, वो बोले हम प्रोविजन ओवर टाइम बना देंगे और टाइम मतलब रेट पर आवर के हिसाब से चार्ज, क्योंकि प्रोविजन इज एडजस्टेड व्हेन द एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली इंकर्ड, और प्रोविजन बना के जब एक्चुअल इंकर्ड होगा तो प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। इज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स शिपिंग लिमिटेड करेक्ट। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं आराम से कि एक कंपनी है, अपनी ही कंपनी है, कि भाई देखो लंबा चौड़ा एक बार खर्चा हो जाता है, हम लोग वो उसका यूज़ बहुत लंबे समय तक लेते हैं, तो हम लोग पर यूज़ के हिसाब से उसका रेट पर आवर निकाल लेते हैं कि भाई एक घंटे में उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उस हिसाब से चार्ज करेंगे और आने वाले अकाउंटिंग ईयर के बाद का प्रोविज़न बना लेंगे, प्रोविज़न से फिर एक्सपेंस को घटाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा रिवेन्यू सही दिखेगा, फिगर सही दिखेगा, ऐसा ये लोग बोल रहे। तो क्या इस कंडीशन में ओवरऑल इंस्पेक्शन के केस में आप प्रोविज़न बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आइए सॉल्यूशन देखते। सोल्यूशन बोल रहे अ प्रोविजन इज मेड फॉर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। सही बात है, प्रोविजन का डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रोविजन क्या होता है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है। ओवरऑलिंग डज नॉट अराइज आउट ऑफ द पास्ट इवेंट, तो पहला ही कंडीशन यहाँ पे पिट गया है। बधाई हो कि आपकी कंपनी का जो फाइनेंस टीम है उसको एक बहुत बड़ा झटका लग गया, पास्ट इवेंट से अराइज नहीं हो रहा। इवन अ लीगल रिक्वायरमेंट ओवरऑल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल अ लाइबिलिटी। बोला कि लीगल रिक्वायरमेंट भी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि कॉस्ट लाइबिलिटी मानी जाएगी, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ओवरऑल द शिप्स इंडिपेंडेंटली
of the company's future action, the company could avoid the future expenditure by its future action, for example, by selling the shares. So there is no present obligation. दोनों चीज़ नहीं यहाँ पे, क्या लाइन है आप समझिए यहाँ पे. हमने डेफिनेशंस में, कॉन्सेप्ट में भी एक पॉइंट कवर किया था ओवरऑल का, रिपेयर का. एक बार फिर से अपने बात कर लेते. एक प्रोविज़न तब बनेगा जब हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है, और पास्ट इवेंट से जो अराइज हो रही हो. अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन क्या होता है, मतलब आपके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो अदर ऑब्लिगेशन लेफ्ट. दैट मीन्स इट इज़ योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि अब मुझे ऐसे ही सेटल करके ही काम इसका करना पड़ेगा. आपके पास तो बेचने का ऑप्शन है ना, आप सिर्फ ओवरऑल कराना क्या आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आप और कुछ नहीं कर सकते, उसको सेटल ही करना पड़ेगा. आंसर इज नो, यू हैव मोर ऑप्शन, मोर एंड मोर ऑप्शन. आप कुछ भी रिपेयर किसी को दे सकते हो, रेंट पे, लीज पे, कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो इवन. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, दो चीज़ें होनी चाहिए. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए पास्ट इवेंट से जो अराइज हो. पास्ट इवेंट से तो ये अराइज नहीं हो रहा, पहला ही कंडीशन. और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ठीक है, देर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. इवन इफ देर इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, लीगली बाउंड हुआ फिर भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, तो वे आउट है. तो एक्सक्यूज मी, एज पर द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील विद द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, नॉट इट्स पॉसिबल पोजिशन इन द फ्यूचर. क्या लाइन लिखी हुई है जबरदस्त. आपका अकाउंटेंट आके आपको बोला कि देखो भाई, आप बोल रहे हो मेरे को कि देखो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड इंडिया 37 फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील विद, मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, 37 नहीं, एज पर द स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, नॉट इन इट्स पॉसिबल पोजीशन इन द फ्यूचर. रिपोर्टिंग डेट क्या होता है, टिल डेट जो भी आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करना, ठीक है. सो ये भविष्यवाणी करना स्टैंडर्ड बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो आपके टिल डेट के सारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड टू ऑपरेट इन द फ्यूचर. तो इसके लिए कोई प्रोविजन आप नहीं बना सकते जो कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा आपके ऑपरेशन के लिए. द ओनली लाइबिलिटीज रिकोगनाइज इन एन एंटिटी इज बैलेंस शीट आर दोज दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड पर अगर कोई लाइबिलिटी आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है तब उसी का उसी लाइबिलिटी को हम लोग रिकोगनाइज करेंगे. देयरफॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स शिपिंग लिमिटेड इज नॉट करेक्ट. हमारे फाइनेंस टीम को बहुत बड़ा झटका लगा कि उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि देर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट. एज सिंपल एज दिस. The company should adopt the component approach in India 16, that is property, plant and equipment for accounting of the refurbishment cost. अब वो India 16 की accounting policy follow कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे provision बनाने का उनको कोई scope नहीं. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे अगर पूछ रहा है कि आप ये provision बना सकते हैं, ये process follow कर सकते हैं, तो answer is no, incorrect. और फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखोगे. एक लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से, पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है इसको आपको बताना पड़ेगा, पास्ट इवेंट भी नहीं है, ये दोनों आपको बताना पड़ेगा. ये दोनों लिखने के बाद आपका आंसर जस्टिफाई कर जाएगा. अब ये डिपेंड करता है कितना नंबर का है, तो इसलिए और आप बढ़ा चढ़ा, दो नंबर का रहेगा तो ये दोनों को डिफाइन करके हो जाएगा, और चार नंबर का है तो आप फिर ये सब आप लिखना पड़ेगा, ठीक है. चलिए अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू पे. कहाँ है भाई, हाँ, एक्स केमिकल लिमिटेड. अब हमारी कंपनी बदल गई, पहले एक्स शिपिंग लिमिटेड था, अब केमिकल लिमिटेड के हम मालिक हैं. इज ऑपरेटिंग इन द विशिनिटी ऑफ अ रिवर सिंस 20 साल से ऑपरेट कर रहा है. अ कम्युनिटी लिविंग नियर एक्स, मतलब वहां पे कम्युनिटी रहती है 20 साल से वहाँ ऑपरेट करें. क्लेम्स दैट इट्स ऑपरेशन हैज़ कॉज्ड कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जहाँ पे ये लोग रहते हैं फैक्ट्री,
तो एक्स लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर टू क्या बोला, ये एक्स लिमिटेड, एक्स केमिकल लिमिटेड है, इज ऑपरेटिंग इन अ विसिनिटी ऑफ अ रिवर सिंस 20 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जहाँ रिवर था वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे एक कम्युनिटी भी रहती है। जैसे सपोज करें मेरी कंपनी में ऑपरेट कर रहा हूँ, वहाँ पे एक कम्युनिटी भी रहती है। वो क्लेम कर रही है कि उनके वजह से पानी में प्रदूषण हो गया है। जैसे कि जो भी फैक्ट्री लगी है वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर थी, तालाब था, लेक था, वो गंदा हो गया अभी। तो एक्स कंपनी लिमिटेड हैज़ रिसीव नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल एजेंसी दैट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड इनटू क्लेम्स ऑफ द पोल्यूशन कॉज बाय द एंटिटी इफ इट इज़ फाउंड दैट एक्स कैपिटल लिमिटेड हैज़ कॉज कंटेमिनेशन, देन पेनल्टीज एंड फाइन वुड बी लेविड ऑन। एक केस हो गया बेसिकली, आपको गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेज दिया कि भाई ये क्लेम है, अगर ये सही होता तो मैं आपको पेनल्टी और फाइन लगा दूंगा। फिर बात करते हैं एक्स कंपनी, एक्स केमिकल लिमिटेड बिलीव दैट इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑल द इन्वायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स टू एन एक्सटेंड दैट इज अनलाइकली टू कॉज पोल्यूशन। जो भी नेसेसरी था, जो भी रिक्वायरमेंट था, जिसके वजह से पोल्यूशन का कॉज नहीं होगा, मतलब जितना होना हो तो हो गई, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि पानी खराब हो जाएगा, ऐसे कंपनियां सोचती हैं। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर वेदर इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर 20 ईयर्स। मैनेजमेंट यही नहीं बोल सकता कि मुझे 20 साल से मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि कब कौन सा मेजर मैंने लिया, कौन सा रिक्वायर्ड था नहीं लिया, उनके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नॉट श्योर अबाउट 20 ईयर्स बट दे आर श्योर कि इस ईयर तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो किया था सारा काम जो जो रिक्वायरमेंट। देयर फोर नेदर मैनेजमेंट नॉर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आर एबल टू एसेस द एक्स लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंटिल द इन्वेस्टिगेशन हैज़ कम्प्लीटेड। ना वो कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि भाई कितनी लाइबिलिटी आ सकती है, अगर गवर्नमेंट ने मेरे को पेनल्टी लगा दिया, फाइन लगा दिया, तो कितनी भाई कितने रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे। तो अभी तक स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कि एक कंपनी है केमिकल लिमिटेड, वो नदी के किनारे ऑपरेट करती है, 20 साल से ऑपरेट करती है। वहाँ के रहने वाले लोगों ने बोला कि पानी यहाँ पे इन्होंने ख़राब कर दिया है, कंपनी ने बोला ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट बोला अच्छा रुको हम आपको नोटिस भेजते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं या नहीं है। कंपनी को भी थोड़ा सा संशय कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको श्योर नहीं कि 20 साल का क्या हिसाब किताब है, लेकिन करंट का उसके पास डेटा है और वो एक्सपर्ट भी बुला लेगी, तो इस एक्सपर्ट भी बिना डेटा की कैसे उसको बता पाएगा कि कितना रुपया का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी या ऐसा कुछ। तो इन सब सिचुएशन हाउ शुड मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर ऑल लायबिलिटी। तो आपको बुलाया गया कि भाई बताओ कि अभी इस सिचुएशन में आप कैसे अकाउंट फॉल करेंगे उसको। एज पर द स्टैंडर्ड इन द प्रेजेंट केस द अवेलेबल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट अ कंक्लूजन दैट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। अब देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जो अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास उससे हम मेजर नहीं कर पा रहे। हाउ एवर देर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच एग्जिस्ट एंड विल बी कन्फर्म्ड अपॉन कम्प्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हाउ एवर देर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच एग्जिस्ट, कि हाँ होने वाला है कुछ ऐसा, कुछ भविष्य में कुछ हो सकता है, मेरे ऊपर कुछ लाइबिलिटी लग सकती है, बट वी आर नॉट श्योर। देयरफॉर मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज द कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर पोटेंशियल पेनल्टीज एंड फाइन्स दैट मे बी इम्पोज इफ कंटेमिनेशन इज प्रूव्ड। आपको अगर याद हो तो हमने बात की थी कंटिंजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जबकि जो हमारे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होते हैं वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होते हैं, कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन रहता है तो हम कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं, और अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहता है तो प्रोविजन बना देते। तो इस केस में क्या है कि हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पता नहीं। अब इसलिए पता नहीं क्योंकि हमारे पास ना अमाउंट है ना डेटा है ये बता सके कि हाँ अभी ही इसको दे, क्या पता नहीं भी देना हो, ये वाला भी है। ठीक है, और तो उसको हो सकता है देना हो या ना देना हो, तो वो फ्यूचर में अगर फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गया कि डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, तो इसलिए वो पॉसिबल
पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंसी आ गई, कंटिंजेंसी में यहाँ पे लाइबिलिटी के केस में तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हमें पे करना है। दो इलस्ट्रेशन हो गए, अभी बहुत सारे इलस्ट्रेशन बाकी हैं। यो दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, बहुत सारी कंपनी का मामला सुलझाना है अपने को, समझ लीजिए। एक्स लिमिटेड हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इट्स सेलिंग एजेंट वाई इन अकॉर्डेंस विद विच एक्स लिमिटेड हैज टू पे अ बेसिक परसेंटेज ऑफ द कमीशन। उसे एक बेसिक परसेंटेज ऑफ द कमीशन पे करना होगा ना, एक्सपोर्ट सेल्स। एंड एन एडिशनल कमीशन इज टू बी पेड इफ द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर रिसीव्ड। ठीक है, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स लिमिटेड इट रिकॉग्नाइजेज दैट द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वेन एक्चुअली रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन रियलाइजिंग सच इंसेंटिव एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैव नॉट बीन रिसीव फॉर द ईयर 2001-2002। हाउएवर एक्स लिमिटेड इज होपफुल ऑफ रिसीविंग द एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2002 एंड 2003। In the financial statement for 2001-2002, should X Limited provide for both the base commission and additional commission? यानी मतलब एक चीज़ का वो श्योर नहीं कि उसे इंसेंटिव मिला या नहीं, रिलीज हुआ या नहीं हुआ। दो चीज़ों पे उसे बेस परसेंटेज कमीशन देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट सेल पे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे। ठीक है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स लिमिटेड इट रिकॉग्नाइजेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव व्हेन एक्चुअली रियलाइज्ड। तो ऑन अकाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन रियलाइजिंग सच इंसेंटिव एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैव नॉट बीन रिसीव फॉर द सॉरी। लेकिन 2001-2002 का जो इंसेंटिव था वो अभी रियलाइज नहीं हुआ। उसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको दो चीज़ों पर कमीशन देता हूँ, एक सेल पे और उसके एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे। एक्सपोर्ट सेल पे तो मैंने आपको दे दिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में जब रियलाइज़ होता है तभी उसको अकाउंट फॉल करता हूँ। लेकिन जो 2001-2002 का अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ, बट आई एम होपफुल कि वो नेक्स्ट ईयर में रियलाइज़ हो जाए। तो इस केस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो दोनों बोथ बेस कमीशन और एडिशनल कमीशन प्रोवाइड कर दे कंपनी जो है एक्स लिमिटेड की, आपसे राय मांग रही है। तो आइए देखते हैं। So far as the base percentage of sale commission is concerned, it is a present obligation arising of the past events. The obligating event takes place when the sales are made, and also sales, since commission is based on percentage of the sales, reliable estimates can also be made. Therefore, the base percentage of the sales commission should be provided. देखिए क्या हो गया यार, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने, मैंने सेल कर दिया है एक्सपोर्ट सेल, उसमें मुझे एक्सपोर्ट सेल का पैसा मिलता है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी थोड़े मिलते हैं, दोनों पे मुझे कमीशन पे करना रहता है। तो सो फार एज द बेस परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन इज कंसर्न, जो सेल्स कमीशन है, जो सेल पे कमीशन होता है, वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से। अब ऐसा क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, तो पिछले इवेंट जो पिछला आपने सेल किया है उस पे ऊपर आज आपको ऑब्लिगेशन हो रहा है। आपका माल किसी ने बिकवा दिया आपका माल, तो आपको क्या करना है? वो पास्ट इवेंट्स है तो उस बिकवाए हुए माल पे आपको कमीशन देना, तो पास्ट इवेंट के वजह से आज आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देना पड़ा। अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है उसके बाद आता है द ऑब्लिगेटिंग इवेंट टेक प्लेस। ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो आपकी एक लाइबिलिटी होती है, जिसमें जो आप सेटल ही करते हो और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब आप उसको और कुछ नहीं कर सकते। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट टेक प्लेस व्हेन द सेल्स आर मेड, जैसे ही आपने माल बेचा तो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्रिएट हो गया। एंड सिंस कमीशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द सेल, सेल के परसेंटेज पे, ना कि वो आएगा तो क्या होगा कैसे होगा, आपने जितना माल बिकवाया उसका एक परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। रिलायबल एस्टिमेशन कैन ऑल्सो बी मेड, एक रिलायबल एस्टिमेट आपको मीट कर ही सकते हैं। 10 करोड़ का सेल है, 2% आपको देना है, तो 10 का 2 करोड़ कर लो, उतना रुपया दे दो। देयरफॉर द बेस परसेंटेज ऑफ द सेल्स कमीशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो भैया जो बेस कमीशन है, बेस परसेंटेज ऑफ द कमीशन ऑन सेल, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा।
However, in respect of the additional commission, it is to be paid when the export incentives are recognized. And export incentives are recognized only when it is received. रही बात एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की, तो हमारे जो कंपनी है वो बोल रही है कि हमें जब पैसा मिलता है तभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है. देयरफॉर द ऑब्लिगेटिंग इवेंट विल अराइज ओनली व्हेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर रिसीव्ड. आपने माल बिकवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो और फर्दर कमीशन बनता है वो जब मेरे को मिलेगा तब तो आपको देंगे. आपने मेरा सेल करवा दिया तो मेरे लिए वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया जो मेरे पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको पैसा दे दिया. लेकिन जो ये चीज़ है, ये मैं तो पाऊँ, मेरा तो मिले पहले तब तो मैं आपको दूंगा, ऐसे अगर समझा जाए तो. देयरफॉर द ऑब्लिगेटिंग इवेंट विल अराइज ओनली व्हेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर रिसीव्ड. हेंस नो प्रोविजंस फॉर एडिशनल कमीशन इज टू बी मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2001-2002. द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिमिटेड टू रिसीव द एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन द नियर फ्यूचर वुड मेक नॉट एनी डिफरेंस एज ऑन 2002. समराइज किया जाए तो दो यहाँ पे इवेंट हैपन हो रहे हैं. एक सेल होगा, माल बिक गया आपका, माल बिकने के बाद जो एक्सपोर्ट हो रहा है, डोमेस्टिक सेल नहीं है, एक्सपोर्ट है, तो उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी मिलेगा. तो एक्सपोर्ट क्या हो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो मिलेगा वो जब आपको मिलेगा तब आप अकाउंट फॉल करोगे, ठीक है. ये आपकी पॉलिसी है. तो आपने बोला कि भाई आपका जो दो कमीशन बनता है आप बेस का ले लीजिए, एक का हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हुआ. अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जो आपको ये मजबूर कर देगा, मतलब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि जो आपकी मजबूरी ये हो जाएगी कि आपको उसको सेटल ही करना पड़ेगा, आप उसका फिर टाल नहीं सकते, समझ रहे हैं. जैसे ये वाला अगर इवेंट अराइज हो गया, सेल हो गया, तो आपको लाइबिलिटी बन गई, आपको पेमेंट करना ही करना है, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. खांसी आ रही थी ना बीच बीच में यार, क्या किया. एक्स सुगर लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट 300,000 का विथ वाई चॉकलेट लिमिटेड, चॉकलेट्स सुगर क्या बात है, फॉर द सप्लाई ऑफ सुगर ड्यूरिंग 2001 and 2002. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी इज टू बी मेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ द फेलियर टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल एक्स सुगर लिमिटेड हैज टू पे अ कंपेंसेशन ऑफ 30 lakhs टू वाई चॉकलेट्स लिमिटेड. बोला भैया मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, कर लिया अभी 300,000 का 2001-2002 के लिए, आज पर आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, एक्स सुगर और मैं चॉकलेट वाला ले लेता हूँ, ठीक है. मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई एक्स सुगर लिमिटेड से और बोला कि भाई देखो 300,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए, बहुत लंबा चौड़ा हमारा सेल है, लेकिन आपको ये माल 2000 विद इन 2 months आपको देना पड़ेगा डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. अगर फेल हो गए तो 30,00,000 रुपये का कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट, अब कहानी ये हुई कि सुगर लिमिटेड के साथ कुछ हो गया तभी तो समय आएगा. ड्यूरिंग द ट्रांजिट द व्हीकल कैरिंग द शुगर मेट एक्सीडेंट, एंड एक्स शुगर लिमिटेड लॉस द इंटायर कंसाइनमेंट, इट इज़ हाउ कवर्ड बाई एन इंश्योरेंस पॉलिसी. कोई दिक्कत नहीं, कुछ इंश्योरेंस का तो फायदा हुआ. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर द अमाउंट इज कलेक्टेबल सब्जेक्ट टू द डिडक्टेबल क्लॉज, दैट इज 15% ऑफ द क्लेम इन द इंश्योरेंस पॉलिसी. द कॉस्ट ऑफ द गुड लॉस्ट वॉज 250,000. 300,000 का माल भेज रहा था लेकिन जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स लॉस्ट वो अपने सर्वेयर ने निकाला 250,000. तो अपना 15% क्लेम डिडक्ट करके क्या क्या करते हैं वो लोग, उसके हिसाब से उसने निकाला 250,000. अब बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड एक्स सुगर लिमिटेड रिसीव्ड इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट देयर क्लेम हैव बीन प्रोसेस्ड एंड द पेमेंट हैव बीन डिस्पैच्ड फॉर 85% ऑफ द क्लेम. मीनवाइल वॉयल चॉकलेट लिमिटेड हैज मेड डिमांड ऑफ 30,00,000 सिंस गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम. मैंने बोला भाई देख,
तुमने माल नहीं दिया मेरे को, पैसा तो देते। पैसा इसलिए कि देखो मेरा प्रोडक्शन रुक गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरे को और किसी को खोजना पड़ा, फिर जाके मेरी सेल्स स्लो हुई, कोई और कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो मैंने 30 लाख का देखो फाइनेंस देने के लिए बोला था, अब तो दे। मैंने शुगर लिमिटेड से बोला, सो व्हाट प्रोविजन और डिस्क्लोजर रूट एक्स लिमिटेड एक्स शुगर लिमिटेड नीड टू मेक एट द ईयर एंड, तब इस समय बताइए क्या डिस्क्लोजर करेंगे या प्रोविजन बनाएंगे, मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट, प्रोविजंस क्या है। तो आइए, कहानी अच्छी थी वैसे, मतलब क्वेश्चन अच्छा बनाया हुआ है, बीच में इंश्योरेंस वाले को झूठ मूठ का ढोका दिया लग रहा है, कुछ काम होगा। एज पर द स्टैंडर्ड वेयर एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोवेबल, एज पर द स्टैंडर्ड जहाँ पे इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोवेबल एन एंटिटी शुड डिस्क्लोज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द कंटिजेंट एसेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड वेयर प्रैक्टिकेबल एन एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इफेक्ट मेजर्ड यूजिंग द प्रिंसिपल सेट आउट इन द इंडेक्स। देखो दो चीज़ें यहाँ पे हैं जो उन्होंने इंश्योरेंस की बात कही है, वो दूसरे से रिलेटेड है, कंटिजेंट एसेट से। एक्स लिमिटेड जो डिस्क्लोज करेगा कंटिजेंट एसेट 212, हाँ मतलब 250 का कॉस्ट है, उसमें से 85% इंडू करोगे तो उतना उसको दिखाना पड़ेगा कंटिजेंट एसेट। कंटिजेंट एसेट क्या होता है, जिसका इनफ्लो फ्यूचर में प्रोबेबल होता है, ठीक है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है कि होगा या नहीं होगा, वहाँ से पैसा आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप डिस्क्लोज़र करोगे। अब जो कॉस्ट इंकर्ड हुआ वो कितना था, आई मीन जो कॉस्ट वो लोग कैलकुलेट किए थे 250 लाख, तो वो बोला कि मैं 85% आपका क्लेम यहाँ पे लिखा हुआ था ना, हैड बिन प्रोसेस एंड द पेमेंट हैड बिन डिस्पेस फॉर 85% ऑफ द क्लेम, बोला कि आपका क्लेम हमने प्रोसेस कर दिया जिसका 85% अभी हमने तुरंत के तुरंत पैसा प्रोसेस कर दिया है, आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, अभी मिला नहीं है ना, आपका कंटिजेंट एसेट है, पॉसिबल एसेट है, फ्यूचर में होने वाला फ़ायदा है आपका, तो उसके लिए आपको कंटिजेंट एसेट बनाना पड़ेगा, बनाना क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उसमें उसका जो इन्फ्लो है वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोबेबल लग रहा है, तो ये कंटिजेंट एसेट है। इफ़ इट वुड ऑल्सो नीड टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 30 लाख टू द क्लेम ऑफ वाई चॉकलेट लिमिटेड, अब इन्हें प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा 30 लाख का जो मैंने क्लेम किया था। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है, देना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट में है। पास्ट इवेंट्स अराइज हो रहा है, जी हाँ अराइज हो रहा है। क्या इसकी वैल्यू मेज़र की जा सकती है, जी हाँ की जा सकती है, तो ये हो गया प्रोविजंस के डेफिनेशंस में कवर्ड। अब जब कवर्ड हो गया तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें कवर कर ली, कंटिजेंट एसेट और प्रोविजंस, आई मीन ठीक है। एक एंटिटी है जो बेचती है गुड्स वारंटी के साथ कस्टमर्स को, रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की मोबाइल कंपनी जैसे, विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर द परचेज, 6 महीने तक के लिए। इफ़ माइनर डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, रिपेयर कॉस्ट वुड बी 1 मिलियन। अगर सारे प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा माइनर मतलब माइनर खराबी, छोटी मोटी भी खराबी पाई गई तो 1 मिलियन रुपये लगेगा। If major defects were detected in all products sold, repair cost would be 4 million would result. कोई दिक्कत नहीं। The entity's past experience and future expectation indicate that for the coming year 75% of the goods will have no defects. 20% of the goods sold will have minor defects and 5% of goods sold will have a major defect. 75% आराम से अच्छा production lineup इनका 75% एकदम ठीक रहेगा। 20% में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन 5% में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एन एंटिटी असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ द फॉर द वारंटी एज अ होल। इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एन एंटिटी असेसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो फॉर द वारंटी ऑब्लिगेशन एज अ होल।
तो आपको बताना है कि कितने की वारंटी, आई मीन कितने का प्रोविजन बनाएंगे वारंटी के लिए, आई मीन कितना रुपया का ऑब्लिगेशन बनाए। तो सिंपल सा दिया हुआ है भाई साहब कि आपको लग रहा है कि आउटफ्लो का प्रोबेबिलिटी बताना है। ये क्वेश्चन 75% पे तो कुछ नहीं बनेगा, 20% पे 1 मिलियन, 5% पे 4 मिलियन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। इसमें सिर्फ मैथ का कैलकुलेशन करना है। साफ साफ कहानी बताई हुई कि भाई 1 मिलियन पे कुछ होने वाला नहीं है, आई मीन 75% पे कुछ नहीं होगा, 20% पे थोड़ी बहुत होगी, तो थोड़ी बहुत होगी तो उसका 1 मिलियन टोटल होता तो लगता, तो 20% के हिसाब से उतना लगेगा। 4 मिलियन लगता जब मेजर डिफेक्ट रहता, तो उसका 5% कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चलते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि है सेक्स। एक सोलर पावर लिमिटेड है पावर कंपनी, जिसके पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि डिसमेंटल करना है एक प्लांट को 35 ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, 35 साल के बाद। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक सोलर कंपनी है जिसके पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि भाई मेरा 35 साल पुराना जो भी एसेट रहेगा उसको मुझे डिसमेंटल करना है, और ये अपने ऑब्लिगेशन से मुकर नहीं सकती और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी को अपना एसेट। मतलब इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया, इसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा। उसने एस्टिमेट किया कि टोटल कॉस्ट लगेगा डिसमेंटल का 50 लाख रुपए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विच इज 30 लाख। 50 लाख रुपए लगेगा, लेकिन आज के दाम में अगर खर्चा करोगे तो 30 लाख लगेगा। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एक्स सोलर पावर लिमिटेड कंसीडर द रिस्क फैक्टर ऑफ 5%, द रिस्क दैट एक्चुअल आउटफ्लो वुड बी मोर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। उन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एक्स सोलो लिमिटेड कंसीडर द रिस्क फैक्टर ऑफ 5%, दैट इज द रिस्क दैट द एक्चुअल आउटफ्लो वुड बी मोर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू से बोला 5% ज़्यादा बढ़ेगा, 50 मैंने एस्टिमेट किया तो उससे ज़्यादा, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख रुपये, मैंने फ्यूचर में जो खर्चा होगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे 30 लाख रुपये डिस्काउंट करके लाया, बोला कि ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो 5%। How should X Power Limited account for this obligation? The obligation should be measured at the present value of the outflow. 30 लाख जो कि है सही बात है, फ्यूचर की वैल्यू को मुझे डिस्काउंट करना ही पड़ेगा क्योंकि अलाउड है। फर्दर अ रिस्क एडजस्टमेंट, 5% का रिस्क एडजस्टमेंट भी है, दैट इज वुड बी मेड, सो द लाइबिलिटी वुड बी रिकोगनाइज एज 3150। आपको जो रिस्क असेसमेंट है, जो प्रोविजन्स की लाइबिलिटी, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में 50 लाख रुपया लगेगा, लेकिन उसमें आपने डिस्काउंटिंग करके उसको 30 लाख रुपया प्रेजेंट वैल्यू पे ला दिया, 35 साल बाद लगेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख है, लेकिन देयर इज अ रिस्क फैक्टर, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट में कि वो भी आपका फ्यूचर में खर्चा हो सकता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है ही है, तो इसलिए 3150। फिर बात करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की, फिर से एक्स केमिकल लिमिटेड, क्या बात है, इंगेज इन द केमिकल इंडस्ट्री के कॉजेज इन्वायरमेंटल, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स केमिकल लिमिटेड इंगेज इन द केमिकल इंडस्ट्री कॉजेज इन्वायरमेंटल डैमेजेस बाय डंपिंग वेस्ट इन द रिवर नियर इट्स फैक्ट्री, इट डज नॉट क्लीम अप बिकॉज देयर इज नो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। वो डंप करता था रिवर में, लेकिन उसके पास कोई इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन नहीं था जो बोले कि आपको ऐसा करना है। इज कॉजिंग डैमेज फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, जो 40 साल से ऐसे ही कर रहा है। 31 मार्च 2002 की बात है, गवर्नमेंट जाग गई भाई 40 साल बाद, बहुत अच्छा खासा एक लेजिस्लेचर बनाया कि भाई नदी को अब साफ करना है। The formal gazette notification of law is pending. How should X come to deal with the situation?
40 साल तो एकदम मजे से चल रहा था एक्स केमिकल लिमिटेड, लेकिन इतना डम किया कचौड़ी को, केमिकल्स को, कि पानी खराब होने लगा। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई आदमी जाके पानी पी लिया होगा, ऐसे तो पता चलता नहीं। पानी पी लिया तो लगा कि हाँ अब तो कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा, पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन बना दिया। अब उसके पास एक नोटिस चला गया होगा, अब इस समय वो कैसे डील करे। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इन द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वर्चुअली सर्टेनिटी ऑफ द लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड क्लीनिंग अप एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज सर्टेन, इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट द बेस्ट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द क्लीन अप एक्टिविटीज और प्रोविजन शुड बी रिकोगनाइज। अब तो भाई पास्ट इवेंट की वजह से पिछले 4 साल की जो गलतियाँ आपने की हैं उससे आज आपको भुगतना पड़ा है, तो पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, मतलब प्रोविजन आप बना सकते हो, एस्टिमेट कर लो, एस्टिमेशन भी होना चाहिए, ज़्यादातर आप एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना खर्चा लगेगा उसका। गवर्नमेंट जाग गई भाई 40 साल बाद, तो आपको भी जाग के प्रोविजन बना लेना चाहिए कि आपको अब ये ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, ऐसा अगर काश हो जाता हमारी गवर्नमेंट तो भाई। इलस्ट्रेशन 8 क्या बोल रहा है कि एक्स ब्यूटी सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेलिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम बी, बट इट इज़ गेटिंग इट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किसी और से मैन्युफैक्चर कराता है। इट हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, ठीक है, विथ वाई दैट कोई भी कंपनी, इफ द कंपनी बिकम्स लायबल फॉर एनी डैमेजेस क्लेम्स ड्यू टू एनी इंजरी और हार्म टू द कस्टमर ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट बना के मेरे ब्रांड नेम पे बेचा जा रहा है, जो आप बना रहे हो वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड बोल रहा है, अगर उसमें कोई भी इंजरी आती है और कोई हमारे ऊपर क्लेम करता है, तो 30% विल बी रिम्बर्स टू इट बाई वाई लिमिटेड, 30% आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 अ क्लेम ऑफ 30 लाख बिकम्स पेबल टू कस्टमर बाई एक्स ब्यूटी सोल्यूशन लिमिटेड, जो कि एक बड़ी पैरेंट कंपनी। हाउ शुड एक्स ब्यूटी सोल्यूशन लिमिटेड अकाउंट फॉर द क्लेम दैट बिकम्स पेबल, 30 लाख रुपये ये बिकम्स पेबल है पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वैल्यू का एस्टिमेट किया जा सकता है, तो प्रोविजन तो बना ही सकते हैं। सवाल ये कि क्या प्रोविजन 30 लाख का बनेगा या 21 लाख का। 21 लाख क्यों, क्योंकि 30 लाख का 30% 90 लाख आपको रिम्बर्स हो जाएगा। आपको याद हमने रिकवरी राइट में बात की कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, हमने बात की थी रिकवरी राइट के बारे में, जब रिकवरी सर्टेन ना हो, मतलब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो आप क्या करते हो, प्रोविज़न बनाते हो फुल अमाउंट का और शो करते हो रिकवरी एज एन एसेट, रिकवरी को आप एक एसेट की तरह दिखाते हो। प्रोविज़न बनाओगे फुल अमाउंट का, शो करोगे रिकवरी एज करेंट एसेट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये हम कहाँ पढ़े थे, राइट ऑन प्रोविजन के बारे में, प्रोविजन के ऊपर जो जो राइट्स हैं, मतलब राइट्स रहे, राइट टू रिकवरी है। अब यहाँ पे राइट टू रिकवरी एक इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ ये सर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं कि आपको मिल ही जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोविजन पूरे अमाउंट का बनाएंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका एसेट की तरह दिखाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ। सिंस द अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट इन इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट, द रिम्बर्समेंट ऑफ 9 लाख शैल बी रिकोगनाइज एज द रिम्बर्समेंट राइट एंड प्रोविजन विल बी रिकोगनाइज एज 30 लाख। प्रोविजन 30 लाख बना सकते हैं और 9 लाख को हम लोग रिम्बर्समेंट राइट एज एन एसेट दिखा सकते हैं। द रिम्बर्समेंट राइट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट एंड शैल नॉट बी ऑफसेट विद द प्रोविजन, प्रोविजन के साथ ऑफसेट नहीं होगा, 30 लाख का वो अलग दिखेगा, 9 लाख का ये राइट अलग दिखेगा। हाँ, PL में आप उसको 21 लाख करके ऑफसेट करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की, दैट वी से इलस्ट्रेशन। फिर बात करते हैं, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसके पास इनकम टैक्स का लिटिगेशन पेंडिंग है, उसका कुछ है इनकम टैक्स के साथ झगड़ा होता रहता है। ओके, लीगल एडवाइजर ओपिनियन इज दैट एक्स टेलीकॉम लिमिटेड विल लूज द केस एंड एस्टिमेटेड लायबिलिटी विल बी 100 लाख,
मे अराइज इन 2 ईयर्स, 2 साल में अराइज हो सकती है। द लाइबिलिटी इज रिकोगनाइज एज अ डिस्काउंटेड, ओके, डिस्काउंटेड बेसिस पे, और डिस्काउंट रेट हैज़ 10% एंड इज अज्यूम दैट डिस्काउंट रेट डज नॉट चेंज 2 साल में। हाउ शुड एक्स टेलीकॉम कंपनी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बोरिंग कॉस्ट? ओके, द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10%। पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक टेलीकॉम लिमिटेड है जिसके पास इनकम टैक्स का लिटिगेशन है, केस पेंडिंग इनकम टैक्स के साथ, टैक्स को लेके, जिसमें उनका लीगल एडवाइज़र ये ओपिनियन देता है कि आप केस हार जाएंगे और आपकी लाइबिलिटी 1 करोड़ रुपए तक की आ सकती है आने वाले 2 सालों में। द लाइबिलिटी इज रिकोगनाइज ऑन अ डिस्काउंटेड बेसिस, उन्होंने लाइबिलिटी को रिकोगनाइज किया है डिस्काउंटेड बेसिस पे, और 10% के हिसाब से डिस्काउंटेड अज्यूम करके ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए किया गया, और ये भी अज्यूम किया गया कि ये चेंज नहीं होगा। आपके हिसाब से हाउ एक्स लिमिटेड शुड कैलकुलेट द अमाउंट? सो द डिस्काउंट रेट फैक्टर 10%, ये रहा डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 ईयर्स का, सही है। विल इनिशियली रिकॉग्नाइज प्रोविजंस फॉर 80 to 70, द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, 0 point एट द एंड ऑफ द प्रोविजन अमाउंट वुड बी 90,90,000। As per the standard, the difference between the provision value 8,20,000 is recognized as the borrowing cost in year 1. At the end of the year 2, the liability would be 1 lakh. The difference between the present value, that is 9,10,000, is recognized as the borrowing cost in year 2. देखो, जब बात discounting की होती है आने वाले समय में, तो आपको उसमें borrowing cost भी आ जाता है। आपके आने वाले वक्त में कितना लगेगा? 1 करोड़ रुपये आपको देना है, क्लियर है। डिस्काउंटिंग रेट आपका है 10%, इसका 1 ईयर का होगा डिस्काउंट 909, 2 ईयर का 8 to 7। अगर इस पर डिस्काउंट किया जाए तो 1 ईयर डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू आएगी 9,090,000, ठीक है। 2 ईयर पे आएगी, मतलब 2 साल जब बचा रहेगा, तो 8,270। तो इनिशियली पहले ही साल में तो आपके 2 साल बचे हुए हैं, तो उस केस में 82,87 का, मतलब 8,270, 42,70,000 का प्रोविजन आप बनाओगे। अब जब 1 साल बीत जाएगा तो आप इसको, अब वहाँ से 1 ही साल बचा है तो 1 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे 9,090 करके बनाओ, और जो उसके बीच में डिफरेंस है 8,20,000, इन दोनों के बीच में, उसको बोरिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। जब दूसरे साल आएगा तो आपकी लाइबिलिटी होगी 1 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख लिखोगे। अब जो डिफरेंस रहेगा इसके बीच में और इसके बीच में, तो उसके समय में 9,10,000 आप रिकॉग्नाइज करोगे, क्लियर है। बोरिंग कॉस्ट डिफरेंस बेसिकली नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड वैल्यूज ऑफ प्रोविजंस। पहले कितना था? 8,270, ये हो गया 990, फिर 990 से ये हो गया 100 लाख, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का बोरिंग कॉस्ट होगा और ये सेकेंड ईयर का, क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक्स पैकेजिंग लिमिटेड, ये भी कंपनी है, हैज़ 2 सेगमेंट, पैकेजिंग और पेपर डिवीजन। मार्च 2001 की बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, अनाउंस कर दिया एक फॉर्मल प्लान टू सेल द पेपर डिवीजन इन June 2001। बेचने का इरादा है। ऑपरिंग लॉसेस फॉर द पेपर डिवीजन आर एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख ड्यूरिंग द
period from April 2001 to the expected date of disposal. मतलब 1 अप्रैल को बोला कि 50 लाख रुपए तक का लॉस होगा अगर हमने आज डिसाइड कर लिया तो. मैनेजमेंट ऑफ एक्स पैकेजिंग लिमिटेड वॉन्ट्स टू इंक्लूड द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 50 लाख इन अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड. बोला रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो 50 लाख रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है उसको मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ. कैन एक्स पैकेजिंग लिमिटेड इंक्लूड दीज ऑपरेटिंग लॉसेज इन द प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग. भाई देखो ये तो ऑपरेटिंग लॉस है, ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से लॉस नहीं हो रहा है, समझ रहे पॉइंट. जब हम लोगों ने रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला कि अगर ऑन द पर्पस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग कोई खर्चा हो रहा है तो देन वी विल मेक प्रोविजन. स्टैंडर्ड स्टेट द प्रोविजन शुड नॉट बी मेड फॉर द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज सिंस इंडियाज 37 प्रोहिबिट्स द रिकॉग्निशन ऑफ द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज. जब ऑपरेशन की वजह से लॉस हो रहा है दैट इज योर बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस रिलेटेड टू प्रोविजंस. So, X Packaging Limited should not include these future operating losses in provision for restructuring, even though these losses relate to the disposal group. कुछ भी हो आप provision कर रहे हो उसके वजह से कोई loss हो रहा है क्या? तो normal होता नहीं होता तब भी तो loss होता, as simple as this. फिर बात करेंगे अपने अगले इलस्ट्रेशन. एक्स मेटल लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट विद फाइल लिमिटेड टू परचेस 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹50 पर यूनिट एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 5 लाख. 10,000 × 50 एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्स मेटल लिमिटेड वुड हैव टू पे 60,000 टू एग्जिट सेट कॉन्ट्रैक्ट. देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट की हो जो नॉन कैंसिलेबल अगर कैंसिल करते तो 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा. X Metal Limited has discontinued manufacturing the product that would use the said raw material. अब जिस raw material के लिए इन्होंने non cancelable contract किया तो वो बनाना ही बंद कर दिया. For X Limited has identified a third party to whom it can sell the said raw material at ₹45 per limited per unit. How should X Metal Limited account for this transaction in its books of account respect of the above contract? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक लोग से वाई से, मैं एक्स मेटल लिमिटेड हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि नॉन कैंसिलेबल है. 10,000 रॉ मटेरियल आपके साथ करूँ दूंगा, 10,000 यूनिट 50 रुपये करके आप दे दो मेरे को, 5 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है चलो कोई बात नहीं. टर्म्स के हिसाब से अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा. मैंने बोला कोई बात नहीं मेरे को तो चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि जो ये प्रोडक्ट मैं उस रॉ मटेरियल से बना रहा हूँ आप मन नहीं बनाने का, मतलब डिमांड खत्म हो गया मार्केट में, तो मैं बना के किसको बेचूं. फॉर दैट एक्स मतलब मैं मेटल लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड अ थर्ड पार्टी टू हिम इट कैन सील द सेड रॉ मटेरियल. और जो पड़ा हुआ है तो शायद कोई और बना रहा है तो उसको दे दूंगा. तो हाउ शुड क्वेश्चन इज हाउ शुड एक्स मेटल लिमिटेड अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट. अब बात ये आती है कि भाई अब इसको कैसे, इस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाए. तो दीज सर्कमस्टांसेस डू इंडिकेट एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, जो पहले तो सही चल रहा था बाद में आके खराब हो गया तो उसको बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. उसका नाम भी हमने लगा था कि ढोंगी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो सही लग रहा था बाद में खराब हो गया. तो द ओनली बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द परचेज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 5 लाख आर प्रोसीड फ्रॉम द सेल कॉन्ट्रैक्ट विच आर 4,50,000. देयरफॉर अ प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द ओनरस एलिमेंट ऑफ 50,000 बीइंग द लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पेनल कॉस्ट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ 60,000. देखो किसका आप प्रोविजन बना पाओगे. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलता है जो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द ओनरस एलिमेंट बीइंग द लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पेनल कॉस्ट ऑफ द कैंसिलेशन. आप पेनल कॉस्ट दे रहे हो 60,000 रुपये पेनल्टी और कॉस्ट लोअर ऑफ द कॉस्ट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पेनल कॉस्ट ऑफ द कैंसिलेशन. आप 50,000 का नुकसान सह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट का कॉस्ट और जो पेनल्टी है विच एवर इज लोअर
ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट और पेनल्टी और फीस इफ एनी एप्लीकेबल। अब यहाँ पे ये है 50,000 रुपया, आप 5 लाख में ख़रीदोगे तभी तो 4-50 में बेचोगे, तो 50,000 आप रुपया यहाँ पे लॉस कर रहे हो और 60,000 आप पेनल्टी दे रहे हो, तो प्रोविज़न आप विच एवर इज़ लोअर का बनाओगे और जो कि है 50,000। ये सिर्फ ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ। एक्स सीमेंट लिमिटेड हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स सीमेंट लिमिटेड इन देयर मीटिंग हेल्ड जो 2001 में हुई जनवरी के महीने में, बोला एक ऑपरेशन हम लोग क्लोज कर देंगे इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से। अ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर सेटिंग डाउन द अबव यूनिट वाज फॉर्मलाइज्ड। कोई दिक्कत? उससे ये पता चला कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कंपनसेटेड एंड एक्सपेंडिचर्स एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान हैज ऑल्सो बीन मेंशन, मीटिंग वर ऑल्सो हेल्ड विद द कस्टमर सप्लायर एंड वर्कर्स टू कम्युनिकेट द फ्यूचर ऑफ द फॉर्मर प्लान टू क्लोज डाउन द ऑपरेशन इन द सेड स्टेट। कहानी यही है, अभी तक 3 था, एक बंद करना, सबसे बातचीत हो गई है, ठीक है। ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज वर प्रेजेंट इन दोज मीटिंग, ठीक है। डू द एक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट नीड्स अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। 3 यूनिट थी भाई साहब, एक को बंद करना पड़ रहा है, मजबूरी है, इन्वायरमेंट के पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके वजह से, सबसे बातचीत हो गई है कि रिस्ट्रक्चरिंग करना है, मीटिंग वीटिंग हो गई है, E to Z जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनसे, उन सबसे बात हो गई है। सवाल ये है कि क्या ये रिस्ट्रक्चरिंग का खर्चा मैं प्रोविजन में डाल सकता हूँ? सो एज पर इंडिया 37 कंडीशन प्रिस्क्राइब्स और रिस्ट्रक्चरिंग में प्रोविजन कब बना सकते हो, दिस शुड बी डिटेल फॉर्मल प्लान, देयर शुड बी डिटेल फॉर्मल प्लान जो कि है, विच शुड हैव रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशन इन द माइंड्स ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द एंटिटी वुड कैरी आउट द रिस्ट्रक्चरिंग बाय अनाउंसिंग द मेन फीचर ऑफ इट्स प्लान टू रिस्ट्रक्चर। विच सेड हैव रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशन इन द माइंड्स, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हाँ हो रहा है, तो दो कंडीशन है, दोनों हमको लग रहा है सेटिस्फाइड हो रहे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड डिस्कस एंड फॉर्मलाइज अ फॉर्मल प्लान ऑफ वाइंडिंग अप द ऑपरेशन इन द अबव शेयर स्टेट, द प्लान वाज कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज अफेक्टेड एंड क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन इन देयर माइंड दैट एक्स सीमेंट्स लिमिटेड वुड गो अहेड एंड इट्स प्लान टू क्लोज डाउन ऑपरेशन इन दैट स्टेट, थस देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड एट द ईयर एंड। तो इसकी वजह से आप इसको प्रोविजन बना सकते। एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है कि कर देता हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग के वक्त आपको दो कंडीशंस देखने हैं कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनसे आपने उनको एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कराया है या नहीं, कि उनको अब लगने लगा कि अब तो बंद हो जाएगा, आपने उनको जाके बोल दिया, पेपर में निकाल दिया, कुछ भी किया, आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कराया नहीं किया। और दूसरा, आपके पास पूरी तरीके से प्लान रेडी हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना पड़ेगा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रोविजन आप बना सकते हो। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, जिसमें आप वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कराते हो तो भी आप प्रोविजन बना सकते हो। तीसरा आता है एक मैन्युफैक्चरर जो गिव्स वारंटीज एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ परचेज ऑफ 3 प्रोडक्ट्स लाइन, ठीक है। The manufacturer undertakes to repair or replace item that fail in the problem satisfactory for 2 years from the date of 2 साल का वारंटी देता है। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, जिसमें 60,000 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, द प्रोविजन हैज़ नॉट बीन डिस्काउंटेड एज द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्काउंटिंग इज नॉमिनल, ड्रॉप द नोट। कह रहा है कि 60,000 का मैं प्रोविजन बना ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 60,000 रुपया वारंटीज में लग जाएगा फुलफिल करने में, लेकिन उसको डिस्काउंट नहीं किया।
A provision of 60,000 has been recognized for the expected warranty claims on the product sold during the last three financial years. It is expected that the majority of these expenditure will be incurred in the next financial year and all will be incurred within 2 years after the reporting date. तो हमें एक नोट बनाना है. नोट में इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है कि द प्रोविजन ऑफ 60,000 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर एक्सपेक्टेड वारंटी क्लेम्स. तो इसी के बारे में हमें बताना है. तो सवाल ये है कि एक कंपनी है, तीन प्रोडक्ट लाइन है उसके पास. द मैन्युफैक्चरर्स अंडरटेक्स टू रिपेयर. जो मैन्युफैक्चरर है उसका वो करता क्या है वारंटीज में, रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है आइटम जो भी उस 2 साल के वारंटी पीरियड में फॉल करता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल. एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अ प्रोविजन ऑफ 60,000 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज. रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे 60,000 का प्रोविजन इन्होंने बना लिया. ठीक है. The provision has not been discounted as the effect of discount is not material. इनका कहने का मतलब है कि discounting का मतलब महत्व नहीं है. 2 साल का सपोज करो इस साल सेल हुआ, अब ये इस साल के सेल के अंत में, अब मान लो कि 1 अप्रैल को सेल हुआ, अब ये 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर को प्रोविजन बना लिए तो 1 साल तो यही निकल गया. हमसे नोट पूछे अ प्रोविजन ऑफ 60,000 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर एक्सपेक्टेड वारंटी क्लेम्स ऑन द प्रोडक्ट शुड ड्यूरिंग द लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर. इट इज़ एक्सपेक्टेड द मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी इंकर्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अब जैसे ही ईयर एंड पे बनाए तो अगले फाइनेंशियल ईयर में तो ही होगा, तो प्रोविजन को डिस्काउंट करने की अब क्या जरूरत है. एंड ऑल विल बी इंकर्ड विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. और बाकी सारे जो भी हो 2 साल के अंदर ही अंदर खत्म हो जाए. तो इतना कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रोविजन बनाओ, कंपल्सन तो नहीं है. ठीक है. फिर आते हैं अपने अगले पड़ाव पे, जो कि आई होप क्वेश्चन आंसर होगा जो नीचे दिया रहता है. एक बार आप रिवाइज कर लीजिए. इंस्टीट्यूट समरी भी देता है जो हमने बात की थी. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल एसेट है. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकता है ये. प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिग. कंस्ट्रक्टिव मतलब वैलिड एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट कराते हैं पास्ट इवेंट से. इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी. पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट टू बी कंफर्म बाय द फ्यूचर इवेंट्स डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स. अब ये पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट टू बी कंफर्म बाय द फ्यूचर इवेंट्स, दोनों फ्यूचर इवेंट्स ही कंफर्म होगी, ये ऑब्लिगेशन होगा, ये एसेट हो जो कि नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं रहेगा. टेस्ट योर नॉलेज. 2017 एन एंटिटी इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज द प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग ऑफ कॉस्ट 300 मिलियन. ठीक है. द प्रोविजन इज एस्टिमेटेड यूजिंग द अजम्पशन दैट द डी कमिशनिंग विल टेक प्लेस इन 6 to 70 years टाइम. हाउ एवर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल नॉट टेक प्लेस अंटिल 100 to 110 years टाइम. इन विच case the present value of the cost will be significantly reduced. Draft note. 300 million का provision for decommissioning. Decommissioning मतलब फिर वहाँ से सबको साफ सफाई करके जाना, मतलब न्यूक्लियर साइट को क्लीन करना. A provision is estimated using the assumption that decommissioning will take place in 60 years 70 years. अब कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने provision बनाया उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पे तो बनाया ही होगा, लेकिन वो 60 to 70 ईयर का एजम्पशन लेके चल रहा है. लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि बोल रहा है कि 110 साल तक भी जा सकता है. इस केस में आपके जो कॉस्ट है डीकमिशनिंग का, प्रोविजन फॉर ड्रॉल, वो रिड्यूस हो जाएगा. भाई 110 साल का डिस्काउंटिंग करोगे और 60-70 साल का करोगे तो डिफरेंस आ गई. तो इस केस में अ प्रोविजन ऑफ 300 मिलियन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर डिकमिशनिंग कॉस्ट. पता है, नोट लिखना है बस, उसके बारे में भी लिखना और भी उसके बारे में. दीज कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन 2077-87
60 to 70 ईयर्स वाला बात, हाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक पहुँच सकता है? इफ द कॉस्ट वॉज मेजर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन वुड बी इतना इतना प्रोविजन वुड बी 136 मिलियन. ठीक है, द प्रोविजन हैज़ बीन एस्टिमेटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एट द करेंट प्राइस, द डिस्काउंट यूजिंग अ रियल डिस्काउंट रेट ऑफ 2%. द प्रोविजन हैज़ बीन एस्टिमेटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एट करेंट प्राइसेज एंड डिस्काउंटिंग यूजिंग अ रियल डिस्काउंट रेट ऑफ 2%. हमें नोट लिखना है कि अगर इस केस में 300 मिलियन है तो उस केस में कितना होगा, और 2% का डिस्काउंटिंग रेट लेके किया हुआ है. बट यहाँ पे तो कोई डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ नहीं, आप कोई भी डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम कर सकते हो, दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें आपके हिसाब से. ड्राफ्ट नोट में जो लिखा हुआ उसको आपको फिगर्स में कन्वर्ट करके दिखाना है. जैसे हमने ऊपर देखा प्रोविजन के बारे में, लास्ट क्वेश्चन 60-70 साल में क्या होगा, उसके बाद 110 साल पर डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंटिंग करनी है बेसिकली और कुछ नहीं. एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद द कॉम्पिटिटर हु इज alleging that the entity has infringed patent and is seeking damage of 100 million. जैसे आपको गूगल और एप्पल हो गया, बहुत सारी लोग पेटेंट को लेके एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं. सैमसंग, एप्पल, साउमी, गूगल. हु इज एलिगिंग दैट द एंटिटी हैज़ infringed patents and seeking damage. बोला कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बोला कि आपने उसका डिज़ाइन पेटेंट कोई कॉपी किया है तो उसके लिए आपको डैमेज देना पड़ेगा 100 मिलियन. द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज द प्रोविजन फॉर इट बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन बट डिस्क्लोजेज नन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय द स्टैंडर्ड. मतलब कोई इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन एस्टिमेट किया है और बनाया है. इस केस में आप क्या नोट करोगे? Litigation is in a process against the company relating to a dispute with the competitor alleges that the company अभी ये जो dispute चल रहा है वो अभी in the process. The information usually required by the Ind AS 37 जिसका नाम ये is not disclosed on the ground that it can be expected to prejudice seriously the outcome of the litigation. The director of the opinion that the claim can be successfully registered by the company. Is not disclosed on the grounds that it can be expected to prejudice seriously the outcome of the litigation. इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इसके वजह से जो आउटकम ऑफ द लिटिगेशन है वो prejudice हो जाएगा. मतलब वो तो आया नहीं कि किसके पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप डिस्क्लोजर नहीं दोगे कि भाई क्या है क्या नहीं, किस वजह से ऐसा है या नहीं. डायरेक्टर्स ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लेम कैन बी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बाई द कंपनी. और डायरेक्टर का ये ओपिनियन है कि जो क्लेम है वो कंपनी उसको संभाल लेगी. कहने का मतलब ये है कि राइट अ नोट में आप क्या लिखोगे. जो कंपनी की सिचुएशन है, हमारे पास एक सिचुएशन दी गई कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमें कंक्लूजन नहीं देना है, हमें बस डिस्कशन करना है उसके ऊपर में, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग अ नोट. तो यहाँ पर जैसे इन्होंने नोट ड्राफ्ट किया, फिर बात करते हैं अगले की. एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002. द इनकम टैक्स अथॉरिटी स्पेंड स्क्रूटनी हुई अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रेस्पेक्ट टू रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द टैक्स. क्यों पढ़ा रहा है? एंड इनिशिएटेड असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑन अकाउंट ऑफ द डिडक्शन क्लेम बाय द कंपनी व्हिच इन द व्यू ऑफ द अथॉरिटीज वाज इनएडमिशेबल. ठीक है, कोई बात नहीं. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2001-2002 इटसेल्फ असेसमेंट प्रोसेसिंग्स वर कंप्लीट. आपका असेसमेंट हुआ, असेसिंग ऑप्शन डिड नॉट अलाउ द डिडक्शन एंड रेज डिमांड ऑफ 1 करोड़ अगेंस्ट द कंपनी. मैं बताऊंगा कंक्लूजन. अ कंपनी कंटेस्टेड सच क्लेम एंड फाइल एन अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल 2001-2002. द अपील हैड नॉट बीन हर्ड. ओके,
The company is not confident whether that the company would win the appeal. However, the company has advised by its legal counsel that on a similar matter, two appellate authorities of different jurisdiction have been given conflicting judgment, one in favor of the SSE and one against the SSE. The legal counsel further stated it had more than 50% chance of winning the appeal. Please advise how the company should account for its transaction in the फाइनेंशियली. अब देखो भाई, बात ये है कि आपका जो असेसिंग ऑफिसर है, आपका टैक्स असेस करके एडवांस टैक्स आपको बताता है. तो जो असेसमेंट हुई आपके टैक्स की, तो वो बोला कि मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ. जो टैक्स असेसमेंट है, आपने कुछ एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं जो कि डिसअलाउड होने चाहिए, और 1 करोड़ रुपये की आपकी लाइबिलिटी है. लेकिन जो कंपनी है और उसके जो लीगल एडवाइज़र, उन्होंने बोला कि हाँ, हो भी सकता है कि आपको ये पैसा देना हो और नहीं भी हो सकता है. तो उस केस में आप एक काम करिए कि आप प्रोविज़न बना लीजिए. आइए देखते हैं, मतलब कंपनी को हमें एडवाइस करना है कि अब इस केस में वो कंपनी करे क्या. उसके ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से बोला गया कि आपको 1 लाख रुपये और टैक्स देना होगा. लेकिन उन्होंने बोला कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे, जज साहब डिसाइड करेंगे कि क्या होगा. तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि देना है या नहीं देना है. सिंपल सा, दो पार्टी है, पैसा देना है या नहीं देना. इनकम टैक्स भूल जाओ, दो पार्टी भाई साहब, 1 करोड़ का बात है. कहानी क्या है, बिल्डअप क्या है, छोड़ो. दो 1 करोड़ का बात है. अब उसमें हुआ क्या, ऐसे जो एस्टिमेट हुआ है कि एक केस में ऐसा ही केस था, एक आदमी हार गया, एक केस ऐसा ही था जो आदमी जीत गया. तो 50% चांस है कि आपको मिल नहीं भी देना पड़े, और ये चांस है कि आपको देना पड़ सके. So, India's 37 provides that in rare cases, it not clear whether there is a present obligation. For example, in a lawsuit, it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in present obligation. In such a case, an entity should determine whether present obligation exists at the end of the reporting period by taking account of the all available evidences, for example, the opinion of the expert. देखो ये यहाँ पे clear नहीं हो रहा है कि ऑब्लिगेशन है आपकी नहीं, क्योंकि 50-50 चांस है. पास्ट इवेंट्स अराइज हो भी रहा है या नहीं, असेसमेंट हुआ ठीक है, लेकिन पास्ट इवेंट्स अराइज हो रहा है, अभी आपके पास चांस है. ये रेयर केस है, ये क्लियर नहीं है. तो आप एक्सपर्ट का ओपिनियन यहाँ पे ले सकते हैं. तो इन द प्रेजेंट केस, द कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट दैट वेदर इट वुड विन द अपील बाई टेकिंग इन टू अकाउंट द ओपिनियन ऑफ द लीगल. उन्होंने एक्सपर्ट की राय ली. इट इज़ नॉट श्योर दैट वेदर द कंपनी वुड विन द अपील ऑन द बेसिस ऑफ सच एविडेंस. उसके पास जो एविडेंस था, उन्होंने उसके हिसाब से उनको एडवाइस दिया. इट इज़ मोर लाइकली दैट नॉट, इट इज़ मोर लाइकली दैन नॉट दैट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. देयर फॉर द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द प्रोविजन, द कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर अ लाइबिलिटी ऑफ 1 करोड़. अब बात यह है कि दे आर नॉट, इट इज़ मोर लाइकली देन नॉट, नहीं होने से ज़्यादा लग रहा है कि हो जाएगा. समझ लो, डर ऐसा है कि नहीं होने वाला चांस कम लग रहा है, लेकिन होने वाला चांस ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, तो लीगल काउंसिल की जो एडवाइस है, हम उसको मानेंगे और 1 करोड़ का प्रोविजन बना देंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. थर्ड पार्टी मतलब ओपिनियन, एक्सपर्ट की राय है तो एक्सपर्ट की राय मान लेंगे, प्रोविजन बनाने दे देंगे. रेयर केसेस में जब क्लियर ना हो, अगर पता भी रहेगा मेरे को कि भाई तुमको पैसा देना ही नहीं, तो प्रोविजन क्यों बनाओगे. लीगल काउंसिल जो भी बोले, हम ऑडिटर, हम अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसी बात. फिर अपना आता है नेक्स्ट, एन एंटिटी इज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, लेइंग ऑफ केबल अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ रिक्वायरमेंट टू इनेबल एंटिटी टू रन इट्स बिजनेस. कोई बात नहीं. केबल्स आर ऑल्सो लेड अंडर द सी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू द बाय द सेम बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्रीज Though which the cable passes, the entity is required to restore the sea bed at the end of the contract period. What is the nature of the obligation? देखो जैसे जियो को नेटवर्क फैलाना था, टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, और वो बोला कि भाई समंदर में केबल लगाने पड़ेंगे फाइबर वाले. गवर्नमेंट बोला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप एक काम करो कि जब लग जाए तो उसमें जो भी दिक्कत है रिस्टोर करना पड़ेगा, जो भी आपने अनस्टेबल किया. तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, आपको क्या, आप क्या एडवाइस दोगे. तो पारा
14 of India's 37 states present provision shall be recognized when? कब recognized होगा भाई? तीन condition आपको पता ही है, जब ये present obligation हो, past events arise हो रहा हो. A present obligation can be legal or constructive. Legal मतलब आपने कोई contract किया है, law में लिखा हुआ है. Constructive मतलब आपने valid expectation create की हो. और दूसरा, it is probable that then outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation. Outflow of resources दूसरी बात जो हो, और उस outflow of resources को आप estimate कर पाएं. Reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If these conditions not met, no provision shall be recognized. अगर ये condition met हो रहा है तो provision will be made. Present obligation, outflow of resources को measure कर पाएं. Further, with the regard to the past events, para 17 of the India's 37 states, a past event that leads to the present obligation is called obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the entity has no realistic alternative to settle the obligation created by the entity. जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, obligating event ऐसा event है, आप उसको settle ही कर सकते हो और कोई realistic उसका सुझाव या फिर बचाव नहीं है, ठीक है? Okay. तो past event that leads to a present obligation is called an obligating event. This is the case only where the settlement of the obligation can be enforced by law. In the case of the constructive obligation, where the event which may be an action of the entity creates valid expectation in other party, their entity will discharge the obligation. On the basis of the above, अब पढ़ते हैं उसके बारे में. Provisions should be recognized as soon as the obligating event takes place, because obligating event क्या होता है? Present obligation arises from the past event. क्या है? बेल बज रहा. On the basis of the above, provision should be recognized as soon as the obligating event takes place, because the entity is under legal obligation to restore the seabed, provided the other recognition criteria states in para 14 reproduces above are met. Moreover, the amount of the provision would depend on the extent of the obligation arising from the obligating event. In the instant case, an obligating event is the laying of the cables under the sea. To the extent the cable have been laid down under the sea, a legal obligation has been arisen, and that extent provision for restoration of the sea should be recognized. कितना सुंदर से आंसर लिखा हुआ है, देखते हैं. आंसर बोल रहा है कि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ. पहली बात, आप तो आंसर क्या बोल रहा है? आंसर बोल रहा है कि पैराग्राफ 14 ऑफ द इंडियन 37 स्टेट्स अ प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, उसका प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और उस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे. उसके बाद फर्दर बोलता है कि जो पास्ट इवेंट लीड करता है एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, उसको ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहते हैं. अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट ऐसा है कि जो आप उसको सेटलमेंट करोगे, और कोई उसका रियलिस्टिक अल्टरनेटिव है नहीं, जैसे कि जो इन्फोर्स बाय लॉ है. और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब एक वैलिड एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट करा दी. तो इस केस में क्या है कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर ने ये काम किया है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको उसको सेटल करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट मतलब इन्फोर्स बाई लॉ, तो ये लॉ द्वारा इन्फोर्स है, तो आप इसका प्रोविज़न बना सकते हैं. तो इन द इंस्टेंट केस, अज्यूमिंग दैट कौन सा है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट टेक प्लेस. ऑब्लिगेटिंग इवेंट मतलब पास्ट इवेंट, जो अपना केबल सी में लगा रहे थे, वो जैसे ही होगा आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एक अराइज हो जाएगा. बिकॉज एंटिटी एक अंडर लीगल ऑब्लिगेशन में टू रिस्टोर द सी बेड, प्रोवाइडेड द अदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया स्टेड इन द पैरा 14 प्रोड्यूस्ड अबव आर मेट, जो ऊपर की क्राइटेरिया है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, और उसको एस्टिमेट किया जा सके, तो वो मेट हो रहा है. मोर एवर द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन वुड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट. अब अमाउंट ऑफ द प्रोविजन डिपेंड करेगा कितना बनेगा, आपने जितना सी में केबल लगाया उतना बनेगा. इन द इंस्टेंट केस एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज लेइंग ऑफ केबल अंडर द सी, टू द एक्सटेंट केबल हैव बीन लेड डाउन अंडर द सी, जितना आपने डाला सी में केबल
उस पर जितना खर्चा होगा आप उसको भी लगाओगे. लीगल ऑब्लिगेशन हैज अराइजन एंड टू दैट एक्सटेंट प्रोविजन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ शीट बिल्ड शुड बी रिकॉग्नाइज. आपने अभी तक जितनी भी पास्ट इवेंट परफॉर्म की है उसके ऊपर ही लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगी और जो होगी उसका आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. ऐसा लॉ अलाउ करता है आपको. दैट्स ग्रेट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट. एंटिटी ए इज अ डीलर इन वॉशिंग मशीन. एंटिटी ए ऑफर्स टू इट्स कस्टमर ए स्कीम वेयर बाय इट स्टेट दैट आफ्टर पीरियड ऑफ 3 years द एंटिटी ऑफर्स टू बाय बैक द वॉशिंग मशीन एट द फिक्स प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 3 years. जैसे कि आईफोन 10 जब लॉन्च हुआ था तो 70% बाई बैक वैल्यू वाली बात चली थी. अभी आईफोन 11 लॉन्च होगा तो बाई बैक वैल्यू की बात चलती कि आप खरीद लो फिर मैं 70% बाई बैक वैल्यू दे दूंगी उस समय के मार्केट प्राइस पे. जब उस समय एप्पल आया था तो 70-80 हज़ार का ऐसे दाम था. अभी तो 59 तक चला था आईफोन 10 64 GB वाला. तो उसका अभी 70% आपको बाई बैक वैल्यू दे दी जो भी आप खरीदे हो. उसके लिए कुछ पेमेंट भी करना पड़ता था. The credit emanating therefrom will be required to be used by the customer for buying. और जो credit आपको दिया जाएगा उसको आप नए washing machine मतलब exchange value phone exchange का offer आता है जैसे वैसे. New washing machine will be sold at a discounted price. और जो नई होगी वो आपको discounted price पर दे दी जाएगी. Past experience indicate that the customer generally opt for the scheme. जैसे कोई भी वॉशिंग मशीन लिया 3 साल यूज़ किया बोला अब नई मॉडल आ गई तो इसको एक्सचेंज करके नया ले लेते हैं. एट द टाइम ऑफ द सेल फॉर द फर्स्ट वॉशिंग मशीन शुड एंटिटी ए रिकॉग्नाइज एनी प्रोविजन इन दिस रिगार्ड. आपका हिसाब से क्या लग रहा है कि वो प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए. आइए देखते हैं. फिर पारा 14 ऑफ द इंडिया 37 स्टेट्स प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए प्रोबेबल आउटफ्लो और एस्टिमेट किया जा सके. इस केस में एंटिटी रिकॉग्नाइज द एंटायर रेवेन्यू ऑफ द सेल और द फर्स्ट सेल करते ही रिकॉग्नाइज कर लेती है रेवेन्यू को. अ प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलिंग द सेकेंड मशीन एट डिस्काउंटेड प्राइस शुड बी रिकॉग्नाइज बिकॉज सेल ऑफ द फर्स्ट वॉशिंग मशीन इज द पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है. मोर ओवर पास्ट एक्सपेंसेस इंडिकेट द कस्टमर जनरली ऑफर द स्कीम देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मोर लाइकली देन नॉट. Since it is normal practice which the entity follows, reliable estimate of the amount meeting the obligation can also be met. तीनों condition satisfy हो जाएगा क्योंकि the resources more likely than not. Outflow of resources होना ही आपको लग रहा है कि 3 साल में होगा तो it is ज़्यादा लग रहा है कि होगा than ना होने के. कहने का मतलब ये है कि दो obligation तो past event है. आपका sale जो आपने किया है आपने एक माल आज बेचा ये आपका पास्ट इवेंट हो गया. अब आपको एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गई 3 साल बाद ही होगी लेकिन आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गई कि आप जब सेल करोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा इन द एक्सचेंज ऑफ द योर प्रीवियस सेल पास्ट सेल. तो पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया और इसके अलावा आपके पास रियलिस्टिक ऑप्शन कोई है नहीं और आपने एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करा दिया लोगों के मन में कि वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा दी कि आपका ये हम ले लेंगे आपको दे देंगे. तो और रही बात वैल्यू की आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो होगा ही पास्ट इवेंट से आपको पता ही है कि हाँ लोग ऐसा ऑप्ट करते ही हैं तो उसका जो एस्टिमेशन है वो आप करा ही लोगे कहीं ना कहीं से कि कितना रुपये आपका खर्चा होगा तो आप इसका प्रोविजन बना सकते हैं. तो बस यही रही बात यहाँ तक कि बस खत्म होता है आपका इंडेस 37 जिसका नाम है प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट. हमने टोटल 18 क्वेश्चन किए जो कि पूरा स्टडी मटेरियल है और आपसे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा इसके बाद और फिर हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर ढेर सारी डिटेल में बेसिक से लेके एकदम आराम से चलेंगे एक एक करके. और हम लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ साथ ही क्वेश्चंस को भी किया जाए जिससे आपको थोड़ा सा इजी होगा. फिर लास्ट में भी किया जाएगा जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे. लेट्स सी क्या होता है. बस शुक्रिया. एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है.
आप क्या है, आप हमारी ताकत हैं और मैं एक जरिया हूँ, और ये जरिया शुक्रिया कर रहा है अपनी ताकत को। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, बेल आइकन को भी, ये भूल गया था मैं बोलना, मतलब बोल देते हैं जल्दी से। चलिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपका कोई सोचा।